19 मार्च को चंद्रपुर के मुक्ति कॉलोनी इलाके में ईंट फेंकने की मामूली बात को लेकर दो महिलाओं को फावड़े और हथौड़े से मारपीट की गई। इसका मामला सामने आया, लेकिन इस गंभीर मामले में पुलिस गैर जिम्मेदार पाई गई। इस संदर्भ में नारी शक्ति महिला संगठन ने जिला पुलिस अधीक्षक को आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की बढ़ती घटनाओं के बावजूद पुलिस प्रशासन ऐसे मामलों में आरोपी के खिलाफ आरोपों को दर्ज करने के लिए आनाकानी कर रही है, जिससे आरोपियों की हिम्मत फिर से बढ़ जाती है। आरोपी सतीश राय और सुजीत राय ने मुक्ति कॉलोनी इलाके में रीमा बोंडे और दीपिका विश्वास को फावड़े और हथौड़े से मारा, लेकिन इतने पर भी वो नहीं रुकी और रीमा बोंडे इन्हें जमीन पर ढकेल कर निर्वस्त्र कर उससे मारपीट की। पुलिस को इस मामले में पीड़ित महिलाओं की गवाही दर्ज करनी चाहिए थी, लेकिन घटना के 5 दिन बाद भी पुलिस ने महिलाओं की तरफ नहीं देखा। महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनकी पिटाई करने वाले राय बंधुओं के खिलाफ विनय भंग का मामला दर्ज करने की अपील नारी शक्ति महिला संगठन ने जिला पुलिस अधीक्षक अरविंद सायवे को की, जिसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक ने तुरंत इस मामले में दखल लेकर गुनाह दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश रामनगर पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों को दिए। इस दौरान अध्यक्ष सुनीता गायकवाड़, उपाध्यक्ष सायली येरने, सचिव एडवोकेट वीना बोरकर, संतोषी चौहान, अर्चना आमटे, अलका मेश्राम, पूजा शेरकी, रूपा परशुराम, प्रतिभा लोनगाड़गे, माला पेदाम, गीता येड़े आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। टेरी जवळ मुक्ति कॉलोनी मध्ये दोन महिलांना बेदम अमानुषपणे मारहाण झालेली आहे आणि 5 दिवस लोटून सुद्धा अजूनही गुन्हा दाखल झाला नाही त्या आरोपीवर। दोन जेंट्स आहे बंगाली कॅम्पचे रॉय म्हणून, आणि त्यांनी पावड्याने, हातोडीने, टिकासीने आणि खाली असं पाडून, कपडे फाडून मारहाण केलेली आहे अमानुषपणे। म्हणून आम्ही काल हॉस्पिटलमध्ये गेलो, त्या सरकारी दवाखान्यात दोघी लेडीज ॲडमिट आहे, त्यांच्या डोक्याला टाके लागले आहे आणि आम्ही जाऊन तिथं विचारणा केली असता त्यांनी आम्हाला जे घडलेला प्रकार सांगितला आणि म्हणून आम्ही आज एस पी साहेबांना एक निवेदन, नारी शक्तीतर्फे एक निवेदन दिलं आहे आणि एस पी साहेबांनी सांगितलं आहे की लवकरच चौकशी होऊन आरोपीला लवकरात लवकर पकडण्यात येईल। मेरा नाम है रिंका भोंडे, मैं, मेरी मम्मी, हमारी घर की बांधकाम की जगह पे गए थे और गीता का गाड़ी आया था और उतने में ही दो लोग आए, सुजीत राय और श्रुति राय। उन दोनों ने गीता की गाड़ी से पावड़ा हथौड़ी निकाल कर हम दोनों माँ बेटी पर वार करने लगे और उतने में ही मेरी मम्मी मेरे को बीच में बचाने के लिए आई, मेरी मम्मी को हथौड़ी से सर पे मार के पूरा बेहोश कर दिया और मुझे सुला सुला कर नीचे गिराकर और मुझसे ऐसी बात भी बोले कि तुम्हारी माँ बहन एक करता हूँ करके मेरे ड्रेस पूरे फाड़ दिए, फाड़ के मुझे नीचे सुला के मेरे छाती पे भी उनका पूरा हाथ आया और मेरे नीचे जगह पे मेरे वहाँ पर भी पूरे मार दिए और ड्रेस तो पूरा ही फाड़ दिए, पूरे नंगा करके मुझे नीचे सुला सुला कर बहुत मारे। और जैसे ही मैं और मेरी बेटी वो मतलब हमारी जगह पे खड़ी थी तो मतलब ऐसा आके खड़ी हुई, बस की ईटा की गाड़ी भी आई तो उसी ईटा गाड़ी से पावड़ा और हथौड़ी ऐसे खींचते वक्त ईटा भी गिर गए तो वही तब क्या किया उसने बोला मार दूंगी करते करते इसका टॉप ऐसा खींच लिया तो मैं वो बचाओ मेरे बेटी को बचाव करने गई, टॉप पकड़ लिया तो मैंने बचाव को गई तो मुझे पावड़ा से ऐसे मार। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN News नागपुर।